हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है जोश रनिंग पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज भी आपके लिए ऑनलाइन रनिंग का एक और प्लेटफॉर्म लेके आई हूँ। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये प्लेटफॉर्म टीचर्स के लिए है, बट मैं जिन जॉब्स के बारे में आपको बताने वाली हूँ उन जॉब्स के लिए ना बेशक टीचर्स के अलावा भी बाकी सब इस वेबसाइट पे वर्क कर सकते हैं। जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है उनके लिए भी। मीन्स कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं टीचर हूँ तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, तो मेरे लिए वेस्ट है क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। पूरी डिटेल्स में आज मैं डिस्कस करूंगी इस प्लेटफॉर्म के बारे में। सो मेरे वीडियो को देखते रहिए एंड स्किप मत कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है प्लैनेट स्पार्क। आई थिंक आपने और भी वीडियोस देखी होंगी, बट उन्होंने कुछ चीजों के बारे में इस वीडियो फ्रेंड्स स्पार्क के बारे में नहीं बताया पूरा डिटेल्स में। जिन चीजों के बारे में जो उन्होंने कवर नहीं किया था वो मैं कवर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है, फ्रेंड्स स्पार्क के बारे में नॉर्मल सी बातें करते हैं। पहले जानते हैं, समझते हैं फ्रेंड्स कि प्लेटफॉर्म है क्या, मतलब किस तरह का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे नाम से तो आप समझ गए होंगे, प्लैनेट स्पार्क एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन लर्निंग कराई जाती है, ऑनलाइन स्टडीज में उनकी हेल्प की जाती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है नई तरीके का फ्रेंड्स है। ऐसा नहीं है कि एक ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट हो गई है एंड हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। नो, बहुत अलग तरीके का न्यू प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर ये न्यू चीजें सिखाते हैं बच्चों को, न्यू तरीकों से सिखाते हैं। तो जो चीजें मैंने यहाँ पे देखी हैं, मतलब किस किस तरीके का वर्क ये बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं किस किस तरीके से, इन्होंने बता रखा है यहाँ पर। यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स ये चीज याद रखना, यहाँ पे इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड चीजें ये बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। और यहाँ पर मीन्स की आई थिंक 3 साल के बच्चे से लेके 13 साल तक के स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट आई थिंक 10th स्टैंडर्ड तक, 1st to 10th स्टैंडर्ड तक यहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स को, अगर आपको नॉलेज है और इस प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो अच्छे से जान सकते हैं। तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे बच्चों को क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं, ताकि जो बच्चे स्टूडेंट्स से वीडियो भी देख रहे हैं तो वो भी यहाँ पे जाके पढ़ सके, अच्छे से नई तरीके से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो वर्क दिया जाता है फ्रेंड्स, हमें किन किन तरीकों से बच्चों को पढ़ाना होता है मैं बताती हूँ आपको। पब्लिक स्पीकिंग, मतलब पब्लिक के साथ कैसे बात की जाती है, हमें ये सिखाना होता है बच्चों को। ग्रामर के बारे में सिखाना होता है, रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में उनको पढ़ाना होता है, बताना होता है सब चीजें। क्रिएटिव राइटिंग, मतलब राइटिंग कैसे अच्छी बनाई जाए, इन तरीकों के बारे में उनको बच्चों को सिखाया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में उनको सिखाते हैं हम लोग, डिबेटिंग, व्लॉगिंग, ये सारी चीजें हम उनको सिखाते हैं स्टूडेंट्स को। और फ्रेंड्स ये जो चीजें बता रही हूँ मैं टीचर्स के लिए हैं कि हम ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, बट जो अभी मैं जॉब्स बताने वाली हूँ इस प्लेटफॉर्म पे वो फ्रेंड्स टीचर्स के लिए भी है और बाकी सारे अलग लोगों के लिए भी है जो टीचर्स नहीं है बेसिकली। तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो वेबसाइट है बहुत क्रिएटिव है, न्यू नई तरीके की चीजें बच्चों को सिखाती है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लेसन के बारे में वो सिखाती है, यहाँ पे नई चीजें सीखने को मिलती हैं स्टूडेंट्स को। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सब चीजें आप लोग जान लीजिएगा। और अब हम चलते हैं सीधे इनके जॉब्स पे। फ्रेंड्स अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा प्लैनेट स्पार्क का। प्लैनेट स्पार्क पे जब क्लिक कर देंगे तो फ्रेंड्स सीधा कॉर्नर वाले बटन पे जाइएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा वी आर हायरिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये देखो जॉब्स आ गई, मतलब यहाँ पे कौन कौन से जॉब्स इस टाइम अवेलेबल है। मैंने बिल्कुल अभी अभी ये वीडियो बनाई है एंड मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। जो जॉब्स है यहाँ पे है बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन की है, टेली सेल्स की है एग्जीक्यूटिंग एंड ऑनलाइन मैथ टीचर की है, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की है, ऑनलाइन इंग्लिश टीचर की है, मैथ टीचर की है एंड शिफ्ट के हिसाब से भी फ्रेंड्स यहाँ पे जॉब्स है। मीन्स की नाइट शिफ्ट चाहिए आपको या यूएस स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो उनके अकॉर्डिंग कुछ टाइमिंग चाहिए तो उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। ये सारी जॉब्स अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो ठीक है, हम एक जॉब पे ट्राई करते हैं पहले कि इनका क्राइटेरिया क्या है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वाली जॉब से इन्होंने क्या बताई थी, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन। चलो इस पे हम क्लिक करते हैं। मैंने क्लिक कर दिया फ्रेंड्स, कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा आपके पास कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है क्राइटेरिया जो जो हम इस जॉब पे होने के लिए चाहिए। वर्क फॉर होम है, ये तो आपको आपने देख लिया, वर्क फॉर होम है,
पार्ट टाइम में या फुल टाइम दोनों हो सकता है, एंड एक्सपीरियंस 1 साल से 20 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब नॉर्मली आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कुछ ना क्राइटेरिया बता रहे हैं, मतलब जो इस जॉब पे आपको वर्क करने के लिए ये चीजें का पर्टिकुलर होना आपके पास जरूरी है, मतलब ये चीजें आपको आनी जरूरी है। तो इस जॉब्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीजें लिखी हुई हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अगर ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं, मीन्स कि ये सब चीजों की नॉलेज आपको है और आप ऐसे वर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो नीचे जो ये फॉर्म दिया हुआ है उसको आपको फिल करना है। जो ये फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद आपको मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि किस किस तरीके से, 6 प्रोसेस होते हैं यहाँ पर, कि किस किस तरीके से आप लास्ट राउंड तक पहुंचेंगे एंड आपका वर्क कब स्टार्ट होगा। तो ये पर्टिकुलर फ्रेंड्स मैंने ये आपको बता दें कि जो टीचर्स नहीं है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। और फ्रेंड्स जैसे इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है ना कि आपको इस जॉब्स के लिए क्राइटेरिया होना जरूरी है, ऐसे ही हर जॉब्स के लिए अलग अलग है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा एंड पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो फ्रेंड्स आपको बहुत ईजी रहेगा अप्लाई करने के लिए। चलो ठीक है, मैं यहीं पे बता देती हूँ पहले आपको। अगर आप फॉर्म पे फ्रेंड्स अप्लाई करते हैं, नेम है आपका एंड ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, एंड पर्टिकुलर वो एक क्वेश्चन पूछे आपसे कि हम आपको हायर क्यों करें, हम आपको हायर क्यों करें, क्यों काम दें आपको अपने वेबसाइट पे, तो आपको ये फॉर्म, ये आंसर, इसका आंसर बहुत क्रिएटिव तरीके से बहुत अच्छे से देना है। एक तरह से वो आपकी बायो ही जानना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छे से आंसर देना, ताकि क्योंकि इसके बाद वो आपको खुद कॉन्टेक्ट करेंगे, आप उनको कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए कुछ अच्छा सा लिखना, इम्प्रेशन अच्छा पड़े, ताकि वो आपको अप्लाई आपको रिस्पॉन्स दे दे। ठीक है, जब फ्रेंड्स ये सब क्राइटेरिया पूरा कर देंगे ना अच्छे से, आपको एक रिज्यूम लिखना है, डालना है फ्रेंड्स। रिज्यूम में ना आप अपनी मतलब सर्टिफिकेट्स एंड जो जो चीज आपने जॉब्स के लिए अप्लाई करे, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो रिज्यूम में बिल्कुल डालना ही डालना। तो रिज्यूम यहाँ पे अपलोड कर दें, जब अपलोड कर देंगे सबमिट कर देंगे, सबमिट के बाद वो आपको खुद कॉल करेंगे, जिसपे आपका होगा कॉलिंग इंटरव्यू। फ्रेंड्स ये चीज मैं आपको बाद में बता दूँ, क्योंकि अभी मैं पहले टीचर्स जॉब्स के बारे में बता देती हूँ यहाँ पर। तो जैसे आपके फ्रेंड्स अगर टीचर्स नहीं है या आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, और भी जॉब्स हैं यहाँ पे आपके लिए, तो अप्लाई कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग। पूरा क्राइटेरिया वीडियो को आगे देखना फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको आगे भी प्रोसेस बताऊंगी कि किस किस तरीके से आपका इंटरव्यू होगा। बेसिकली अभी मैं टीचर्स के बारे में बताती हूँ कि टीचर्स आप लोगों के लिए यहाँ पे कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप नीचे जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको मिलेगा यहाँ पे इंग्लिश टीचर एंड उसके नीचे है मैथ्स टीचर। तो फ्रेंड्स जब आपको इसको ओपन करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे जानने को मिलेंगी। बेसिकली लोगों ने ना सैलरी के बारे में एंड कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आपको नहीं दिए हैं, तो मैं बता रही हूँ। जब इस जॉब्स पे जाएंगे तो फ्रेंड्स इन्होंने ना एक बहुत अमेजिंग सी चीज लिखी हुई है। उन्होंने ये लिखा है कि अगर आप कंफर्टेबली हैं बहुत अच्छे से, तो आपको 2 से 3 घंटे आप स्टूडेंट्स को अपने घर पे बुला के स्टूडेंट विजिट करके आपके घर पे भी पढ़ सकते हैं। ये भी उन्होंने बोला है, लिखा हुआ है यहाँ पे। मीन्स के ऐसा होगा फ्रेंड्स, एक पार्टनरशिप टाइप हो जाएगा कि आप उनके पार्टनर बन जाएंगे। एंड तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत दूर के स्टूडेंट्स आएंगे, पास पास के स्टूडेंट भी यहाँ पे यही होगा उनका क्राइटेरिया कि आपके पास पढ़ने के लिए आएंगे, जिसमें से आई थिंक उन्होंने टाइमिंग 2-3 से 7 बजे तक या 2 से 7 बजे तक, आप प्लीज देख लेना एक बार। तो ये चीजें उन्होंने बता रखी हैं कि आपके घर पे विजिट करेंगे स्टूडेंट्स, वो पढ़ने के लिए होना चाहिए, आप पढ़ा सकते हैं अपने घर पे में उनको, और घर पे अगर वो पढ़ने हैं तो बच्चों को कंफर्टेबल होना चाहिए, तो उनके लिए चेयर टेबल मतलब एटमोसफेयर कुछ ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट अच्छे से स्टडी कर सके, तो ऐसा होना चाहिए उन्होंने बोला है। और उन्होंने मिनिमम टाइम बोला है आपको पर डे का यहाँ पे 2 घंटे देने ही देने हैं। मीन्स कि 2 घंटे के हिसाब से आप लगा के चले 10 से 20 हजार रुपए 2 घंटे के हिसाब से, 6 डेज के यहाँ पे क्लासेस होती हैं, तो यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बेसिकली जो उन्होंने बताया है यहाँ पे, ये बोला है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको पर डे 4 to 5 आवर्स 4 घंटे तो आपको पर डे के देने ही देने हैं, जिसके लिए जिस तरीके से आप 30,000 से जो उन्होंने मैक्सिमम यहाँ पे अर्निंग बताई है वो 48,000 बताई है सैलरी यहाँ पर। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे यहाँ पे वर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है, ये चीज उन्होंने बता रखी है, आपको क्लियर क्लियर बताई है उन्होंने का।
है पार्टनरशिप के थ्रू ये भी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। इनके सैलरी भी यहाँ पे उन्होंने बेसिकली बता रखी है 10,000, 20,000 एंड 25,000 to 48,000 बता रखी है उन्होंने बेसिकली सैलरी जो है। वो तो डिपेंड करता है आपके तरीके पर कि आप कैसे पढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स होंगे वो आपको फीडबैक्स देंगे, फीडबैक्स अच्छे मिलेंगे, नॉर्मल सी बात है आपको वर्क भी अच्छा मिलेगा, आपको और स्टूडेंट यहाँ पे मिलेंगे पढ़ने पढ़ाने के लिए। और आप टाइमिंग दे सकते हैं बहुत अच्छे से, अगर आप साइड बाय भी यहाँ पे वर्क करें तो फ्रेंड 2 से 2 घंटे कर सकते हैं, तब भी आपका थोड़े बहुत अर्निंग तो हो ही जाएगी। 10,000 तो आपके कहीं नहीं गए हैं मंथ के, अगर आप 2 घंटे भी यहाँ पे देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। और टीचर्स आप ये चीज याद रखना, मैथ्स के लिए जैसे मैंने आपको क्राइटेरिया बताया अलग है, इंग्लिश के लिए भी उन्होंने क्राइटेरिया अलग बताया है। उन्होंने क्लासेस बता रखी हैं कि आपको सेकेंड स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी पड़ेगी। जब इंग्लिश पे क्लिक करेंगे ना कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा फ्रेंड्स, इंग्लिश जॉब पे, इंग्लिश टीचर जॉब पे अप्लाई करेंगे तो उनका ये क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा रही हूँ, आप पढ़ लेना, बाकी तो आप वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे। मैं आपको ना लिंक दे दूंगी सीधा जॉब्स का ही इनके, तो आप उन जॉब्स पे जाके लिंक पे क्लिक करें, सारी जॉब्स आ जाएगी। आप चेक कर लेना एक बार कि उनका क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या डिस्क्रिप्शन है उनका, वो क्या चाहते हैं, क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके अंडर। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सब चीजें जानने के बाद अब हम पहुंचते हैं इंटरव्यू पर, मीन्स की आगे के प्रोसेस के बाद बारे में बात करते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया है कि वो जो फॉर्म फिल करते हैं आप उसमें नीचे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे क्यों वर्क करना चाहते हैं, हम आपको आपके साथ काम क्यों करें, तो आपको अपने अकॉर्डिंग भरना। टीचर्स अगर आप भर रहे हैं यहाँ पे तो आप अपने अकॉर्डिंग भरेगा, और अगर दूसरे लोग भर रहे हैं मींस कि टीचर्स नहीं हो आप दूसरे जॉब्स के लिए अप्लाई करें तो आप अपने अकॉर्डिंग भरना, ठीक है। ये चीज याद रखें क्योंकि उसी के थ्रू वो आपको कॉल करेंगे, नहीं तो वो कोई कॉल नहीं आपको आपको कोई कॉल नहीं करेंगे। तो ठीक है, ये होगा आपने फॉर्म फिल कर दिया एंड अब आपका आपका जो नेक्स्ट राउंड होगा वो होगा कॉलिंग इंटरव्यू। कॉलिंग इंटरव्यू होगा, जो कॉलिंग इंटरव्यू होगा फ्रेंड्स वो आपसे जो आपने इस फॉर्म में चीजें भरी है नॉर्मली तो पहले वो चीजें पूछेंगे, फिर उसके बाद यही क्वेश्चन करेंगे कि आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं एंड आपको क्या क्या चीजों की नॉलेज है, जो आपने डिटेल्स जॉब्स जिस जॉब्स के लिए अप्लाई किया उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है कि नहीं, ये नॉर्मल से चीजें पूछेंगे। बेसिकली वो आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं यहाँ पर, ये चीज याद रखना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रखना आपने तो आप नेक्स्ट राउंड तक पहुंच जाएंगे। जब कम्युनिकेशन स्किल अच्छे रखेंगे मीन्स कि आप ये इंटरव्यू कॉलिंग इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे तो आपको वो उसी टाइम बता देंगे कि आपको एक मेल आएगा, आपकी शॉर्ट ट्रेनिंग होगी, मतलब कि आगे के बारे में वो आपको चीजें बता देंगे, शॉर्ट छोटी सी एक ट्रेनिंग होगी वो आपको करनी है। जब वो ट्रेनिंग क्लियर कर लेंगे फ्रेंड्स, उस फ्रेंड्स पहले आपने फॉर्म फिल किया, फिर उसके बाद आपका कॉलिंग इंटरव्यू हुआ, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रेनिंग मिली, अब आपको एक वो फॉर्म देंगे, आपको मेल करेंगे, जो भी होगा जैसा भी होगा वो फॉर्म में आपको, सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स उस फॉर्म में जितने क्वेश्चन होते हैं ना वो उनकी वेबसाइट से रिलेटेड होते हैं, मीन्स कि वो आपसे सारे क्वेश्चन उस फॉर्म में ही पूछ लेते हैं, तो आपको वो फॉर्म में सब बहुत अच्छे से भरना है, वो फॉर्म बिल्कुल गलती नहीं करनी है, क्लियर क्लियर वो फॉर्म भरना है, उसमें आपसे आपकी नॉलेज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके आप क्यों ट्राई करना चाहते हैं, क्या है, ये सारे क्वेश्चंस उसमें होते हैं, तो आपको ये सब चीजें अच्छे से क्लियर कर दिया मीन्स की भरनी है, क्योंकि अगर आप भर देंगे तो इसके बाद जो आपका होगा वो है शॉर्ट टेस्ट होगा, MVTR होगा आपका, मींस कि आपका मॉड्यूलर वर्चुअल टू राउंड होगा, एक MCQ राउंड होगा आपका जिसमें आपको 10 क्वेश्चन देंगे फ्रेंड्स वो लोग, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन को क्लियर करना जरूरी है तभी आप नेक्स्ट राउंड तक पहुंचोगे। तो जब आप ये टेस्ट क्लियर कर लोगे मींस कि आप 10 में से 6 क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दे दोगे आप नेक्स्ट राउंड तक पहुंच जाओगे, और जब नेक्स्ट राउंड पे पहुंच जाओगे अब होगा आपका PSAT टेस्ट, मतलब कि प्लैनेट स्पार्क एप्टीट्यूड टेस्ट होगा एक आपका। ये जो टेस्ट होगा फ्रेंड्स 45 मिनट्स का होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, 45 मिनट्स का होगा। आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से लिखना है, बताना है, तो यहाँ पर हो सकता है वो टेस्ट में आपको MCQ ही है, 45 मिनट्स का है तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, मीन्स कि बड़ा हो सकता है, ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको क्लियर क्लियर आंसर्स देना है। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया था फ्रेंड्स आपको 45 मिनट्स का ये टेस्ट क्लियर करना है। जब ये टेस्ट क्लियर कर देंगे अब होगा आपका फाइनल राउंड, मींस कि अब जो राउंड होगा वो होगा शॉर्ट वीडियो कॉल राउंड।
चीजें करी हैं वो आपने क्लियर लिखी हैं फॉर्म में भी एंड टेस्ट भी क्लियर करा है। अब वो बेसिकली आपका स्टाइल जानना चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाते हैं, आपका स्टाइल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल का स्किल क्या है, किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आप वो ये चेक करते हैं। आई थिंक ये आपका 25 to 30 minutes का हो सकता है वीडियो कॉल। ये वीडियो कॉल में आपको सब चीज जान लेंगे और बता भी देंगे, उसके बाद आप क्लियर कर लेंगे वीडियो कॉल राउंड कि आपको कैसे कैसे अर्निंग होगी, मींस कि क्या तरीका है, क्योंकि इस वेबसाइट पे ऐसा कुछ नहीं बताया है इस अर्निंग के बारे में कि आपको पेमेंट कैसे मिलेगी, कैसे नहीं, आपके बैंक अकाउंट में ही पहुंचेगी, नॉर्मली यही होगा इसमें। तो आपको ये चीजें जाननी ही अच्छे से क्लियर करनी है। जब ये सारे क्राइटेरिया फ्रेंड्स पूरे कर देंगे, मीन्स कि आप फॉर्म फिल कर देंगे एंड कॉलिंग इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, ट्रेनिंग ले लेंगे और ये 6 के 6 स्टेप वीडियो कॉल तक पहुंच जाएंगे। तो वीडियो कॉल के बाद आपका आपकी 6 to 7 days की ट्रेनिंग होगी फ्रेंड्स, जो मतलब वो तरीका सिखाएंगे कि आप यहाँ पे प्लांट स्पार्क में स्टेजेस कैसे पढ़ाते हैं, वो आपको एक शॉर्ट ट्रेनिंग देंगे। जब ये शॉर्ट ट्रेनिंग आपकी क्लियर हो जाएगी उसके बाद आपको वर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप अर्निंग कर सकते। तो आप ये सब क्लियर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे नई नई जॉब्स बता आ रही हैं, निकल रही हैं बार बार, तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कीजिए। टीचर्स हैं तब भी अप्लाई कीजिए, टीचर्स नहीं है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब्स के लिए। क्राइटेरिया उन्होंने जॉब्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में बता ही रखा है कि उनको क्या क्या चीजें चाहिए एंड सब चीजें बता रखी हैं, तो यहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। आई होप सो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई टीचर्स से अकॉर्डिंग वर्क करना चाहता है तो फ्रेंड्स मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं जोशन लर्निंग पॉइंट की, तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अर्निंग के टीचिंग अर्निंग के ऑनलाइन और भी प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे एंड और अदर वीडियोस भी मिल जाएंगे ऑनलाइन अर्निंग की। तो आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं अर्निंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में, मेरे चैनल पे बने रहिए और अगर और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए और अच्छे प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मेरी और अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कर लीजिए, और अपने किसी फ्रेंड को अगर इस जॉब्स की जरूरत है, अगर वो वर्क करना चाहते हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिए मेरी वीडियो। और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाय बाय।